Hey there Capricorn, welcome to my channel Dream Tarot, and this is your monthly reading for the sign of Capricorn in Urdu. मैं इंग्लिश में बोली लेकिन है उर्दू की. मैंने कार्ड जो है पहले ही शफल कर लिए हैं. इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इंग्लिश की मैं दे चुकी हूँ या उर्दू में है तो मैंने कट करूँगी 3 पाइल्स में. नाउ आई विल पुल कार्ड्स फॉर यू. The lovers, 2 of wands, 7 of swords, 8 of swords, and page of pentacles. Oh, page of wands. ये 10 of pentacles भी आया था तो मैं ले ली थी हूँ. और आपकी overall energy है underneath the deck 6 of cups. So you are maybe reuniting with your partner, maybe with your family. Before you were busy in your work a lot and maybe doing your business, a lot of confusion regarding this home, regarding your home situation, a lot of confusion, but you were busy in your you are giving your more time to your job, but now you are maybe reconciling with your family. आप maybe अपनी family से reconcile कर रहे हैं इस time पर. पहले आप जो हैं अपने घर के हवाले से कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा confused हो रहे थे, बहुत ज़्यादा confusion आपके सामने दिया हो सकता है. बहुत सारे options आपके सामने हों, job से related हों या किसी भी मामले में हो सकता है. शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी पास options हों, लेकिन आपको आप उस टाइम पे आप उनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दे रहे हो. आप जो है अपनी वर्क लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो, लेकिन अब जो है आप अपने पार्टनर से रिकनसाइल कर रहे हैं या पास्ट पार्टनर से साथ आप दोबारा से रिकनसाइल कर रहे हैं, और या फिर अपनी फैमिली से रिकनसाइल कर रहे हैं. पहले आप अपने वर्क में ज़्यादा बिजी थे, अब आप अपनी फैमिली में दोबारा वापस आए हैं या दोबारा से रिकनसिलिएशन की एक थीम है आपकी. सो आपके पेंटिकल्स जो है आपके फैमिली रिलेटेड स्टेबिलिटी जो है, फैमिली की स्टेबिलिटी वो मैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है. आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे, और आपने रिसेंटली अपने लवर जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे रिकनसाइल किया है या आप उनसे मिले हैं रिसेंटली. तो लवर्स का कार्ड भी है, आपकी लव लाइफ में भी अच्छी जा रही है इस टाइम पे. तो एक तरह की रीयूनियन कह सकते हैं, रीयूनियन और हैप्पी फैमिली, हैप्पी स्टेबल फैमिली सिचुएशन, स्टेबल फाइनेंशियल मैटर्स आपके स्टेबल हैं, फाइनेंस फैमिली सिचुएशन स्टेबल है. लेकिन आप जो है किसी चीज़ के ऊपर आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के हवाले से. मे बी शादी के ही हवाले से हो सकता है. जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के हवाले से किसी डिसीजन का वेट हो रहा है, या आप जैसे पहले कंफ्यूज थे अपनी शादी के. मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, लेकिन आप जो है आप सीरियसली इस मामले में सोच रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेना चाहिए. अपने पास्ट पार्टनर के साथ आप शायद रिकनसाइल करेंगे और उनके हवाले से कुछ डिसीजन लेंगे, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ और होम लाइफ तो बहुत स्टेबल चल रही है, लेकिन आप किसी मे बी आप अपने वर्क रिलेटेड किसी इशू के ऊपर आप किसी के डिसीजन का या आपको कोई डिसीजन लेना है उसका वेट कर रहे हैं. और आपको बहुत ज़्यादा खौफ है इस बात का कि कोई चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी. दैट्स वाई या आपके ये आपका खौफ है सिर्फ, जैसे कि मैंने कहूँ कि आपको इस चीज़ का खौफ हो रहा है कि हो सकता है कि आपको ये डिसीजन आपके हक में ना जाए, और आप चीज़ों को उस तरीके से सोच रहे हैं जैसे कि वो नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए. इस तरीके से आपके जहन माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त. सो आप इस हवाले से स्टक हैं किसी डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग आप किसी को करनी है आपके हवाले से, तो आप उसमें स्टक हो गए और चीज़ों अभी आपकी मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हो रही. मे बी आपकी जॉब के हवाले से हो सकता है, ये पेंटिकल का कार्ड आया था. हो सकता है ये आपकी जॉब के हवाले से कुछ इशू हो कि
कुछ आपको स्ट्रैटेजी करनी है, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है, मे बी आपके पीछे हो रही है खुफिया तौर पे, कोई आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है आपकी जॉब से, तो आपको ये खौफ है कि आपके ख़िलाफ़ ना फैसला चला जाए, तो हो सकता है ये जॉब रिलेटेड कोई इशू हो, या आपकी वर्क लाइफ में या ये आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का डर है, आपको किसी प्रॉपर्टी के से प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई बात हो सकती है आपकी फैमिली में, तो आपको डर है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ ना हो जाए, कोई आपके साथ गेम प्ले ना कर दे आपके बैक पे, मतलब कुछ होते हैं लोग आपके पीछे कुछ होते हैं और आपके आगे कुछ होते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी कुछ खौफ है, इस तरह का होता है, हो सकता है ये जॉब में भी आपको इस तरह का कोई खौफ हो, आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं या किसी जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो आपको खौफ है कि आपको लगता है कोई आपका एनिमी है आपके वर्क प्लेस पे, जो आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहा है खुफिया तौर पे, और आप स्टक हो जाएँ हो गए इस थॉट में कि कहीं आपके हाथ से ना चली जाए जॉब, या जो भी अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला है तो हो सकता है आप इस बात पर बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि आपके वो प्रॉपर्टी के हवाले से कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन है। लेकिन आप आपको मतलब फोकस में कोई न्यूज़ मिलेगी, जिस भी न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगी, और उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे, हो सकता है आपको जॉब प्रपोज़ल के बारे में आप सोचें, आप किसी को भेजें या कहीं से आपके लिए आ जाए, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके लिए प्रपोज़ल आ सकता है, और अगर आप मेल हैं तो आप हो सकता है इस बारे में एक्साइटेड हो, आपने कोई डिसीजन ले लिया हो किसी के हवाले से कि किसको आपको प्रपोज़ करना है जॉब शादी के लिए, तो आप उसको प्रपोज़ल भेजेंगे, और ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्साइटेड होगी और आपके लिए भी होगी, और तो देखते हैं कि ये फाइव ऑफ सोर्ड्स, आई मीन कि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड क्या है, व्हाट इज दिस एट ऑफ सोर्ड्स फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज दिस एट ऑफ सोर्ड फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज दिस एट ऑफ सोर्ड फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज दिस एट ऑफ सोर्ड फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज एट ऑफ सोर्ड फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, या अगर ये आपके लव लाइफ की कोई सिचुएशन है तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं इस तरफ, इस वक्त आप कंफ्यूज हैं कि आपको कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करें या ना करें, वो वेदर ये आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर ये जॉब के हवाले से भी हो सकती है कि आप कंफ्यूज हैं कि ये आपको आप ये इंटरव्यू कॉल जो भी है, आपकी जो भी आपको कम्युनिकेशन का जहाँ से एक्सपेक्टेड है कम्युनिकेशन, वो आप किसी और के पास ना चली जाए, हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, तो आप इस चीज़ पे स्टक हैं कि थिंग्स आपके अगेंस्ट ना चली जाए, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, आप ही इस जॉब के लिए जो है सूटेबल हैं, और आपके जो कंपनी है वो आपको ही बहुत अट्रैक्टिव पा रही है इस जॉब के लिए, तो वो आप मे बी वो इंटरव्यू कॉल आपको दें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जैसा आप सोच रहे हैं, तो थिंग इसलिए आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बहुत वरीड हो रहे हैं इस टाइम पे। देखते हैं कि ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज़ दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, व्हाट इज़ दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉन, आपको अपनी जॉब के जाने का बहुत ज़्यादा डर है, आपको लगता है कि
कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जाए आपके बिहाइंड पे, जिसकी वजह से आपको, मैंने कहा कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़े, आप जॉब से हाथ धोनी पड़े, आपको कंपनी आपके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन ना ले ले इस जॉब के हवाले से। आपको ये बहुत ज़्यादा डर है, आपको अपने फाइनेंशियल लैक की इस टाइप पे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। और अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से इसको देखें तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, ये जो है आपको कैप्रिकॉन हो सकता है आपकी तरह थर्ड पार्टी, और आपको लगता है कि आप जो भी प्रपोज़ल भेजेंगे और आपने जो डिसीजन लिया है वहाँ से इनकार ना हो जाए कि थर्ड पार्टी आपके ख़िलाफ़ कोई फैसला नहीं दे दिया आप और आप दोनों अलग ना हो जाए, तो ये से आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन ना ले ले और ऐसे आपको इनकार ना कर दे कोई प्लानिंग करके, और आप और आपका पार्टनर जो आपसे अलग हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन भी हो सकती है अगर लव लाइफ के हवाले से। लेकिन मुझे ये ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसी आप जो भी आप सोच रहे हैं इस तरह की चीज़, जो भी चीज़ें हो सकता है ऐसा कुछ चांसेस हों, लेकिन आप भी जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वैसा नहीं होगा। और आपको जो न्यूज़ आप जिस चीज़ का वेट करें वो आपको डेफिनेटली मिलेगी मंथ ऑफ अगस्त में, और आपके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे उसके लिए, चाहे वो लव लाइफ के हवाले से वो कोई प्रपोज़ल भेज रहा है आपको या आ रहा है आपके पास, या किसी जॉब रिलेटेड मैटर के हवाले से आपको किसी न्यूज़ का इंतज़ार था तो वो भी आपको मिलेगी। तो जॉब के यस यू विल गेट द जस्टिस। सो होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें इसे, और मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।